बच्चों हैव ए हैप्पी डे। ये आप लोगों के डायरेक्ट इंडियर का वीडियो नंबर 17 और टाइटल है रजा के परवानगी सूचोता वाक्य, यानी कि लेट वाली रचना। देखो बेटा, लेट और लेट्स, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेट क्रियापद है, बराबर, वो आप ध्यान रखना। बराबर, पहला वाक्य यानी कि 11वां वाक्य, पहला यानी कि वाक्य नंबर 11, बराबर। द टीचर सेड टू मी, लेट मी टीच यू दिस टॉपिक, बराबर। तो द टीचर इंस्ट्रक्टेड, सूचना दी, इंस्ट्रक्टेड मी, या तो ऑर्डर्ड मी, और कुछ भी पता न चले तो टोल्ड मी। संयोजक इसमें टू आता है क्योंकि लेट क्रियापद है, तो संयोजक टू, लेट का लेट। अब मी आया, तो हम टीचर को नारी जाति के रूप में ले, आई मी, बोलना नारी जाति, आई मी माई, बोलना मुजफ्फर है, बोलना नारी जाति, तो सी हर, हर मी का हुआ हर, टीच का टीच। अब यू, ये दूसरा वाला यू है, यू ये दूसरा वाला है। वर्ब के आगे हो तो पहला वाला यू, वर्ब के पीछे हो तो दूसरा वाला है, तो ये दूसरा वाला यू है। यू और सामलार मुजफ्फर है, सामलार छे मी, बराबर, आई मी, बराबर। दूसरा क्रम लेना है, दूसरा यू है तो हमें दूसरा क्रम लेना है। मी तो मी का सब्जेक्ट होता है आई पहला क्रम और मी दूसरा क्रम, मतलब यू का हुआ मी, बराबर, दिस का दैट और टॉपिक का टॉपिक। ओके बच्चों, अब ये मी के बदले मान लो कि अनिल सुनने वाला होता, बराबर, तो ये दूसरा वाला यू है, तो अनिल अगर सुनने वाला होता, अनिल यानी नारी जाति, तो पहला क्रम उसमें होता है ही और दूसरा होता है हिम, तो हिम आता। अगर शीतल सुनने वाली होती तो सी हर, तो हर आता। उस प्रकार से कमला सेड टू कमल, लेट मी डू माई वर्क माई सेल्फ। ओके बच्चों, तो इसमें सिर्फ ये बताती है, इन्फॉर्म करती है, तो कमला इन्फॉर्म्ड कमल, भले ऊपर नहीं है लिस्ट में, लेकिन आप वाक्य के भावार्थ मुजब इन्फॉर्म भी लिख सकते हो। संयोजक रहेगा टू, लेट का लेट, मी, आई मी, बोलना मुजफ्फर है, बोलना नारी जाती है, तो मी का होगा सी हर, बराबर। डू का डू, अब आया माई, आई मी माई, बोलना मुजफ्फर है, बोलना नारी जाती है, सी हर हर, तो माई का हुआ हर, आई मी माई, सी हर हर। वर्क का वर्क, माई सेल्फ का हर सेल्फ, बराबर, सेल्फ तो ऐसे ही रहा, अभी मैंने आपको सिखाया, माई का हर हुआ, बराबर, तो माई सेल्फ का हर सेल्फ। ओके बच्चों, अब आई सेड टू माई फादर, लेट मी हेल्प यू। ओके बेटा, तो इसमें विनंती का भाव आता है, भले इसमें प्लीज नहीं है, लेकिन आपको विनती समझना है। तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट, अब आया मी, आई मी, आई मी, बराबर, बराबर, आई मी माई, बोलना मुजफ्फर है, इसमें बोलने वाला ही आई है, बराबर, तो बोलने वाला, अब मी, बराबर, तो आई मी दूसरा क्रम, बराबर, आई मी माई, बोलना मुजफ्फर है, बोलने वाला है आई, तो आई और मी, तो मी का मी ही रहेगा। हेल्प का हेल्प और यू, बराबर, ये दूसरा वाला यू है, वर्ब से पहले आता तो पहला यू, वर्ब के बाद हो तो दूसरा यू और सामलार मुजफ्फर है, सामलार है फादर, नारी नर जाति, सामलार है फादर नर जाति, ही हिम, बराबर, तो हुआ ही। मैं वापिस आपको एक बार समझाता हूँ, अब ध्यान रखना बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। आई सेड टू माई फादर, लेट मी हेल्प यू, बराबर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, संयोजक आया टू, चार चीज आ गई, बराबर, लेट का लेट और मी का आई मी, बोलनर मुजफ्फर है, बोलनर खुद आए, तो मी का मी रहेगा, आई मी, बराबर, बोलने वाला आई है, आई को दो स्थान तक ले जाओ, आई और मी, तो मी का मी ही रहा। हेल्प का हेल्प और यू, यू यू, बराबर, ये दूसरा वाला यू है, यू यू योर सामलार मुजफ्फर है, सामलार है फादर, तो नर जाति, ही हिम, बराबर बच्चों। ओके, अब उसके बाद हम पहुंचे वाक्य नंबर 14। The brilliant students said to the teacher, let
वंश लीव द क्लास अर्ली एज ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बच्चों एक काम करना कि मैंने आपको 11, 12 और 13 सिखाया, बराबर। तो वाक्य नंबर 14, 15, 16 और 17, ये चार वाक्य आप लोगों को विथ क्वेश्चन एंड आंसर, आप लोगों को विथ क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज के रूप में लिखना है, बराबर। ये वाक्य भले 14 कितना भी बड़ा हो, 14, 15 कितने भी लॉन्ग सेंटेंस हो, आपको घबराना नहीं है, बराबर। आप बिल्कुल ही घबराना मत, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है।